तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं ये जो भी हमारा एमबी इंटर कॉलेज में दुबई सिटी जो बनाया गया है वहां पे तो आ चुके हैं। और दोस्तों जिस मेले में गया था उसकी कुछ चीजें बता दूं जो आपको पहले से जाने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज बहुत ठंड है बरेली में और घर पे तो सब लोग उठ चुके हैं। और ठंड चेक कीजिए आप बाहर, अभी तो बाहर चलते हैं, बाहर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये धुला नहीं है दोस्तों, ये अपने आप बारिश के मतलब शीत के पानी से पूरा एकदम गीला हो चुका है। और इधर रही मम्मी, अभी अभी कपड़ा सिल रही थी, कपड़ा सीना हो गया इसका। और पापा भी अभी गए थे बाहर घूमने, पापा भी आ चुके हैं घर पे। अब देख सकते हैं, अब बाहर का मौसम चेक कीजिए गाइस, कोहरा ही कोहरा है हर जगह, कोहरा ही कोहरा है। बहुत ठंड लग रहा है दोस्तों बरेली में आज भी। कल मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था 5 डिग्री सेल्सियस था, आज भी वैसा ही होगा, 5 या 6 तो होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, एकदम हाथ कांप रहा है एकदम ऐसे ऐसे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ठंड है। कल तो धूप निकल गई थी थोड़ी देर में, लेकिन आज पता नहीं धूप निकलेगी नहीं निकलेगी। और मैं तो चाह रहा हूँ क्या धूप निकल जाए। अभी तो दोस्तों उठे हैं, उज्जवल देखिए ब्रश ही कर रहा है अभी। और मेरे मछलियों का अपडेट दूं आपको, देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं ये मछलियाँ। तोता तो बेचारा पैक ही रह रहा है, क्योंकि तोते को ही निकाल रहे हैं बाहर ठंड की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है ठंड कितना बढ़ रहा है। तोते को निकालूंगा तो उसे ठंड लग जाएगा, इसलिए तोते को तो हम अंदर ही रख रहे हैं। मछली अपना चल रही है। तो दोस्तों फाइनली नहा लिए हैं और आप देख सकते हैं नहा के बस पूजा वूजा किए हैं अभी। और इधर हुआ प्रखर, आप देख सकते हैं प्रखर को, हाय बोलो। और जैसे पढ़ाई करने में लगा हुआ है। और मम्मी जो है पल्लवी आंटी क्या गई है घूमने के लिए। बाकी मौसम तो देख सकते हैं दोस्तों, हल्का हल्का धूप हुआ था लेकिन फिर हल्का ही धूप है, ज़्यादा धूप नहीं आया है अभी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पपीता खाने के लिए। पापा कल पपीता लेके आए थे मार्केट से, तो मम्मी आज सुबह सुबह उसको काटी है, तो चल रहे हैं इसका नाश्ता करते हैं इसका। और दोस्तों यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, और साथ में एक हमारा कॉलेज से नोटिस भी आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉलेज का नोटिस है, आप देख सकते हैं कॉलेज का नोटिस आया है, वो मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा क्या लिखा है इसमें। फिलहाल अभी तो खाना बन रहा है, तो इधर दिखाता हूँ मैं आपको उज्जवल, वो जो मैं लेके आया था पकौड़ी वो तल रहा है, कचरी जिसको कहते हैं ये तल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये उज्जवल तल रहा है यहाँ पे। और इसको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में, इसलिए मैं 1 किलो और आधा किलो 1.5 किलो लेके आया था उस दिन। बहुत अच्छा कर सकता। अभी दोस्तों खाना बन रहा है तो खाना खाएंगे हम, उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। तो चलिए दोस्तों पहले खाना ना खाते हैं, स्वाद मिलता हूँ आपसे। और दोस्तों आज खाने में बनाए खिचड़ी, और वो जो कचरी लेके आए थे जो उज्जवल छान रहा था वो, और चोखा और रायता भी दोस्तों बनाया है, क्योंकि दही था घर पे तो रायता ही बनाया है, वो भी मैं ही बनाया हूँ। तो इधर देख सकते हैं रायता है, अभी मम्मी दी नहीं है, बाहर एक बाबा जी आए हुए हैं उसके, उनको मतलब चाय वाय मांग रहे थे वो, तो चाय वाय दिया उनको, तो बाहर ही है सब लोग अभी। और मेरा खाना निकल चुका है, खाते हैं हम भी अभी, उसके बाद मिलते हैं आपको। दोस्तों फाइनली खाना तो खा लिए हैं, अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरे जो ये SRMS की तरफ से जो लेटर आया है उसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों इस लेटर को मैंने तो पढ़ा है, तो इस लेटर में ये लिखा है कि जो मेरी अटेंडेंस है कॉलेज की, जो 75% का जो क्राइटेरिया है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस जो है वो 70% है। तो कॉलेज वालों का ये कहना है कि आप इसको पूरा कीजिए, 75% पूरा लाइए इसको, तभी मैं आपको एग्जाम देने दूंगा, नहीं तो नहीं देने दूंगा। तो दोस्तों अभी तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जा रहा हूँ अब बरेली में, लगा है दुबई मेला। तो दोस्तों लोगों का तो ये कहना है कि पूरा दुबई जो है वो बरेली में आ चुका है, हमें दुबई जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कितना सच्चाई है इसमें, चलिए आज मैं एक्सप्लोर करता हूँ बरेली का दुबई। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं, मैं प्रणव और कृष्णा तीनों जा रहे हैं बरेली के दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी चलते हैं, क्योंकि प्रणव आने वाला है घर पे। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी तैयार होते हैं पहले।
तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे प्रणव आ चुका है और अब हम और प्रणव जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से। तो चलिए दोस्तों, बैठ चुके हैं इसके गाड़ी पे और मैं और प्रणव चलते हैं अब मुंबई से। कौन सा मेला है वो? दुबई सिटी कुछ ऐसा करके है, तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा आपको कैसा है और कैसा नहीं है, वो तो वहीं पर आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से। तो चलिए अभी तो चलते हैं, फिलहाल अभी निकले हैं जस्ट घर से। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं ये जो भी हमारा एमबी इंटर कॉलेज में दुबई सिटी जो बनाया गया है वहां पे तो आ चुके हैं। और ये रहा पीछे हमारी एग्जिट है इधर से, तो और क्योंकि पार्किंग थी इधर तो हमें इधर आना पड़ा। अब जा रहे हैं उधर की तरफ से क्योंकि एंट्री जो है वो टिकट के साथ ही है, पहले टिकट लेना होगा आपको उसके बाद एंट्री मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं टिकट का, देखते हैं क्या होता है सीन यहाँ पे। और दोस्तों ये रहा इसका एंट्रेंस और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का एंट्रेंस का। गेट लगा हुआ है यहाँ पे, गेट बना हुआ है, एक अच्छा सा गेट बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, ये ब्रिज है ना कोई सा, इस ब्रिज को क्या कहते हैं भाई? चलो भाई मुझे नाम नहीं पता लेकिन कुछ को ये ब्रिज है ये लंदन का। तो ये बना हुआ सबसे पहले आपको यही व्यू दिखेगा, अंदर झूले भी हैं। तो अभी अंदर भी चल रहे हैं, पहले टिकट देखते हैं यहाँ से। और इधर लगा है आपका टिकट घर, अभी देखते हैं टिकट कितने का है यहाँ पे। इधर है टिकट घर। तो दोस्तों टिकट का सीन बता दूँ आपको, टिकट जो है यहाँ का 20 रुपये का है, आप देख सकते हैं हमने टिकट तो ले लिया है। अब चल रहे हैं अंदर, यहाँ से आपको टिकट दिखा के अंदर से एंट्री लेनी है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। और दोस्तों ये रहा अंदर का व्यू, आपको दिख रहा होगा एंट्री करते ही आपको ऐसा कुछ व्यू दिखने वाला है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और आपको यहाँ पे बहुत सारे झूले भी दिखने को दिख रहे होंगे, यहाँ पे हर टाइप के झूले हैं यहाँ पे। और ये रहा प्रणव, फुल एंजॉय। और यहाँ पे चचा बीरी पीते हुए देख सकते हैं, चचा पूरे एंजॉय ले रहे हैं पूरे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का ऐसे टावर बने हुए हैं आईफिल टावर की तरह। और ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स हैं सेल्फी लेने के लिए, ये देखिए आई लव बरेली हर्ष वहाँ पे जाओ। ये देखिए ये विंग्स ऑन है, ये विंग्स, ये देखिए जी गाइस। और दोस्तों उधर के साइड आपको झूले का दिख रहा होगा और इधर बना है थोड़ा बहुत सेल्फी पॉइंट्स। और ये सब आईफिल टावर की तरह बना हुआ है यहाँ पे। और ये सामने आईफिल टावर की फोटो भी लगी है और उधर लिखा है आई लव बरेली जो आपने देखा। और ये आईफिल टावर जैसा बना हुआ, उधर के साइड आपको झूला दिख रहा होगा और इधर के साइड जो आपके कपड़े वगैरह की शॉप लगी हुई है इधर। और अभी दिखाते हैं अभी अंदर भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है इधर पे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जैकेट्स हैं यहाँ पर। गाइस ये अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है यहाँ पे लोगों से खड़े होके। अब यहीं पे है भाई सब वीडियो सब ले। तो दोस्तों अभी तो आपको पता ही हम मेले में आए हुए हैं और हमें मिल गए ये बरेली फैन क्लब। अच्छा ये हैं बरेली फैन क्लब के ओनर, इंस्टाग्राम पे आप इन्हें वो कर सकते हैं फॉलो, मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और इनका है इंजॉय बरेली, इनका भी डाल दूंगा मैं। तो और आप लोग का भी है कुछ ये बरेली गायक है ये और सबका मैं डाल दूंगा आपको मैं लिंक, आप सब इनको फॉलो कर लेना ठीक है। ये भैया लोग सभी हमको लिंक दे देंगे अभी मतलब, तो फिर मैं इन सबको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा बरेली ब्लॉगर। अच्छा तो दोस्तों आप लोग इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है। तो ये लोग भाई लोग हमें मिले हैं यहीं पे दम, और ये लोग भी अपना कंटेंट ही ढूंढ रहे हैं और हमें भी कंटेंट मिल गया था तो हमने भी शूट कर लिया यहाँ पे ठीक है। दोस्तों आप इनको फॉलो कर सकते हैं। कृष्णा का, कृष्णा भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो इधर से आएगा अभी कृष्णा तो उसी का वेट कर रहे हैं। और इधर रहा प्रणव, वीडियो शूट कर रहा है अभी, वो भी मेरे फ़ोन से ही कर रहा है अभी, मैं ही डालूंगा उसमें, देखते हैं अभी सिनेमैटिक कुछ व्यू मिल जाए। और मुझे तो आपने देखा ही कुछ हमारे मतलब लोग मिले सब्सक्राइबर और जो हमारे तो पता ही है कैमरा मैं ज़्यादा अच्छा पकड़ता हूँ, सिनेमैटिक शॉट्स ले लेता हूँ मैं, सिनेमैटिक शॉट्स लेने के चक्कर में बैठा हुआ है। और अभी हम वेट कर रहे हैं कृष्णा का। हेलो
गाइस ये हमारा दोस्त आ चुका है कृष्णा, ये यहाँ पे टिकट ले रहा है। हम तो पहले ही अंदर आ चुके ये पर्ची कटाते हुए। गाइस इसने अब टोपी भी उतार दी है और अब होगी यहाँ पे मौज मस्ती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कपड़े की अच्छी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, पहाड़ी कपड़े वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब लड़कियों का कपड़ा ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉल वगैरह भी है, बनारस का है तो ये भैया बता रहे हैं, ये बनारसी साड़ी वगैरह है यहाँ पे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा, बनारसी सूट और साड़ी वगैरह कपड़े मिलेंगे आपको बनारसी यहाँ पे। तो जो लोग बरेली से देख रहे हैं वो चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी वुलन चीज़ ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे क्योंकि अभी ठंड बढ़ चुकी है बरेली में। और इधर अगर आप अपने बंदी के साथ आते हैं तो यहाँ पे आपको झुमके ही मिलेंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ वही वही। और की रिंग वगैरह भी है होम डेकोरेशन के लिए, आप ले जा सकते हैं यहाँ से। और इधर ड्राई फ्रूट्स भी है और इधर तो कपड़े है ही, ये शायद भी अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पापड़ का भी स्टॉल है। और इधर लगा है आपके बच्चों के लिए चूर्ण वगैरह जो होता है। और इधर बच्चों के लिए लॉलीपॉप कैंडी वगैरह भी है इधर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप की अच्छी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे कैप की, शॉल वगैरह। और यहाँ पे आपको सेल में भी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकती हैं। और इधर सनग्लासेस वगैरह हैं, वॉचेस हैं, यहाँ पे आपको बेल्ट वगैरह सब मिल रहा है। और अभी दोस्तों हम मौजूद हैं MB इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, वहीं पे लगा हुआ है आपको ये मेला जहाँ पे आप आ सकते हैं। और ये अच्छी अच्छी रेंज है यहाँ पे। और सेल आप देख सकते हैं कि सेल की तो लाइन लगी है इधर पे, 100, 250, 300 हर वैरायटी का रेंज है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको बच्चे खेलने के लिए वो खिलौने वगैरह भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं टेडी बियर वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे। झूले तो मैंने आपको दिखाया ही था। और इधर बच्चों को खेलने के लिए झूले भी हैं। और इधर पकौड़ी वगैरह खाँ फूड आइटम फूड कोर्ट भी है इधर। और ये दोस्तों यहाँ का फूड कोर्ट, और यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह भी मिल रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो कहते हैं स्वीट कैंडी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो भी सब मिल रहा है आपको यहाँ पे। गुड़िया के बाल जिसको कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको मात्र 60 रुपये में पिज़्ज़ा मिल रहा है आप देख सकते हैं। पिज़्ज़ा आप यहाँ पे आपको चेकआउट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में। और यहाँ पे अमेरिकन स्वीट कॉर्न भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। ये गुड़िया के बाल भैया कितने रुपये है? 20 रुपये भैया। बनता कैसे? ये रहे भैया, भैया नाम बताइए अपना। बॉबी कस्टर। ये देखिए ये बना क्या बात। और दोस्तों यहाँ पे चप्पलें भी मिल रही हैं, जूती मिल रही हैं भाई। और इन्हीं चप्पलों से हर को घर पे डांट मिलती है, मार मिलती है सॉरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है आपके घर के लिए यूजफुल आइटम, देखिए भैया यूज करके भैया यूज करके भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपके शीशे साफ हो रहे हैं, आपके शीशे एकदम चमक जाएंगे एकदम, देखिए भैया साफ करके दिखाएंगे आपको। ले जाइए भैया शीशा सारा, गाड़ी के शीशे, घर के शीशे, किचन के बाथरूम के, किसी के भी शीशे साफ कर सकते हो आप, ऐसे क्लीन करोगे। अच्छा, कोई कागज कोई कपड़ा नहीं लगाना। अच्छा, तो यहाँ पे आपको हर घर का हर एक आइटम मिलेगा यहाँ पे घर में यूजफुल होने वाला। और दोस्तों यहाँ पे आपके घर के बर्तन भी मिल रहे हैं, कप है, प्लेट है और हॉट केस वगैरह भी है यहाँ पे, पूरा आइटम मिल रहा है आपको घर के किचन का A to Z। बोतल वगैरह सब है आपको पानी रखने के लिए, ये आपको चम्मच वगैरह है यहाँ पे, सब मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो दोस्तों अब हमने तो यहाँ से अलसी का सीड लिया है, अलसी बीज। और यहाँ पे आपको और भी आइटम मिल जाएंगे, चॉकलेट वगैरह भी है यहाँ पे, खट्टी मीठी चॉकलेट वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आम का भी कुछ कुछ बना रखा है, आंवला का है, सब डाइजेशन के लिए
मतलब चूरन का काम है, सब देख सकते हैं आप उधर उधर तक है। चूरन का क्या नहीं चाह रहा, चूरन लगा रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे खा रहे हैं भेल, क्या है ये, बॉम्बे भेल पूरी और सेव पूरी। तो ये आ चुका है हमारा भेल, अब हम इसमें से खाते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। और दोस्तों जो ये आपको मेला है, ये मेला पूरे जनवरी रहने वाला है, तो आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है और सभी सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध है, हर चीज मिलेगा यहाँ पे। और ये रहा कृष्णा, क्या कर रहे हैं यार तू तो मजाक है क्या? आपको हर सुविधा मिलेगा यहाँ पे, खाने से लेकर पीने तक, और कपड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और आपके हाजमे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? के लिए सामान मिल रहा है यहाँ पे, सब चीज है यहाँ पे, ठीक है, आराम से आइए, एंजॉय कीजिए, 20 रुपए टिकट बस। गाइस यहाँ पे दीदी टैलेंट दिखा रही है, गाइस ये देखिए, फिर रुक गया ये, और ये पता नहीं इन अंकल से क्या क्या बातें कर रहा है, हमें भी नहीं पता। अपना चैनल सब्सक्राइब करा रहा है ये सबसे, यहाँ पे जितने भी मेले में आए हैं सब लोगों से। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर पे, और घर जब आ रहे रास्ते में तो मछली लाना था कुछ, तो मछली भी लेके आए हैं, तो वो जो क्रोकोडाइल फिश होती है वो ले आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्वेरियम गंदा हो गया था, और क्रोकोडाइल जो फिश होती है उसका काम होता है टैंक को साफ रखना, तो उसके लिए 2 क्रोकोडाइल फिश ले आए हैं, ये देख सकते हैं, और एक ये मछली अच्छी लगी थी मुझे तो ये भी ले आए हैं। तो अभी तो देख सकते हैं कि अभी ऐसे ही डाल के रखते हैं उसको थोड़ी देर, उसके बाद फिर उसमें हम डालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है मछली। तो अभी तो डाल दिए हैं, और इधर सब लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं प्रखर होमवर्क कर रहा है अपना, हाय बोलो, तो देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों जिस मेले में गया था उसकी कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको पहले से जाने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। पहले दोस्तों अभी ये व्लॉग जब आपके पास आएगा, अभी तो वहाँ पे दोस्तों अभी जो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग फेस में, वहाँ पे सभी दुकानें अभी लगी भी नहीं हैं, और जो प्राइस है चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा अभी हाई है, तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा रुक के जाएँ अभी, क्योंकि ये जो पूरे महीने रहने वाला है, ये जो आपका मेला है ये पूरे आपकी जनवरी रहेगी, तो इसलिए आराम से जाएँ, कोई भगदड़ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से जाएं, आराम से इंजॉय करें, और बहुत ही अच्छा है वहाँ पे, आपको हर चीज़ मिल रहा है, और बच्चों के लिए भी हर चीज़ वहाँ पे, झूला वगैरह खेलने के लिए सब चीज़ है, सेल्फी पॉइंट भी है, सब चीज़ है वहाँ पे, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा आपको वेट करना होगा अभी, क्योंकि और भी चीज़ें वहाँ पे अभी लग रही हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें अभी, लगभग 10 दिन अगले हफ्ते से आप जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जब सब सारे शॉप लग जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि सब चीज़ आप देख पाओगे वहाँ पे, इंजॉय कर पाओगे, झूले वगैरह में भी ज़्यादा उतना भीड़ है नहीं, किसी चीज़ में उतना भीड़ है नहीं, तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि इस संडे को ना जाके अगले संडे जाएं, क्योंकि वो तो पूरा महीना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं, ये पूरा जनवरी रहने वाला है, तो आप आराम से घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक्वेरियम में तो डाल दिए हैं अपनी मछली को, देख सकते हैं एक ये लेके आए हैं, ये वाला जो पीछे है, और बाकी 2 क्रोकोडाइल लेके आए हैं, उसका काम होता है जो गंदगी है उसको खाने का। अभी देख सकते हैं आप एक्वेरियम कितना गंदा हो गया है, एकदम अंदर से कितना गंदा हो चुका है, पास से देखिए कितना गंदा हो चुका है, इसको आप देखिएगा 2 दिन के अंदर पूरा वाइट कर देगा, इसको पूरा चमका देगा, देखिए या फिर रात भर में चमका देगा, देखिएगा उसको आप, देखिए पूरा तो अभी गंदा लग रहा होगा आपको, लेकिन रात भर में देखिएगा कितना रिजल्ट देखिएगा इसका। तो जो लोग एक्वेरियम रखते हैं दोस्तों, वो क्रोकोडाइल फिश जरूर रखें अपने एक्वेरियम में, अगर आप एक्वेरियम इस तरह से गंदा हो जाता है तो देखते हैं, कल मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा इसका अलग से, तो देखते हैं आज और कल में कितना चेंजेस होता है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, मम्मी आज बना रही है आलू का पराठा, और यहाँ पे पता नहीं किसका निकल चुका है, आयुषी का, और ये रही मम्मी। हेलो गाइस, सब पता नहीं चल, पता कैसे नहीं चलता है, लो अच्छा पीछे कैमरा, आगे कर देंगे इसको तो आगे चल जाएगा, अच्छा वो हूं मैं, हेलो गाइस। तो दोस्तों मम्मी हेलो करना चाहती थी, मम्मी को नहीं पता है कि इसमें आगे भी स्क्रीन है, तो मम्मी को दिखा रहा हूं अभी, आगे भी स्क्रीन है इसका, और इधर मम्मी बना रही है आलू का पराठा, और साथ में चटनी भी है, इधर रहा चटनी। तो जो दोस्तों खाना वाना खाते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों फाइनली खाना वाना तो खा चुके हैं, अब चल रहे हैं सोने के लिए। अब इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप मेरा आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत दोस्तों।